खबर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की है, जहां घनसोर क्षेत्र के युवा शक्ति और खेल प्रेमियों ने खेल मैदान के लिए वाहन रैली निकाली और तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। दरअसल कुछ वर्षों से घनसोर क्षेत्र मैदान विहीन हो चुका है, जिससे क्षेत्र की प्रतिभाएं लगातार गर्त में जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि जिस जगह पर खेल मैदान था वहां अब वहां पर सीएम राइज स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते युवा लगातार खेल से दूर होते जा रहे हैं। खेल मैदान ना होने के कारण युवा तमाम प्रकार के दंश झेल रहे हैं। खेल मैदान समाप्त हो जाने की वजह से कोई खेल की प्रतियोगिता भी नहीं हो पा रही है, जिससे तंग आकर युवाओं ने बाइक रैली निकालकर सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कहा कि अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। श्री महाकाल लोक टीवी के लिए सिवनी से मुकेश साहू की रिपोर्ट। आज खेल मैदान को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि घनसौर में पहले खेल मैदान हुआ करता था, तो सीएम राइस स्कूल आने के बाद से सीएम राइस के अधिग्रहित हो चुका था, तो खेल मैदान की समस्या निरंतर बनी हुई थी। तो आज घनसौर के तमाम युवा वर्गों ने और साथियों ने मिलकर के कुलस्ते जी को और जनपद के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, तहसीलदार महोदय को, कलेक्टर महोदय को, सभी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है कि जल्द से जल्द युवाओं के खेल मैदान की जो समस्या है उसका निपटारा किया जाए। और युवा मन की एक ये भी मांग थी कि जिस तरीके से पहले भी ग्राउंड में भ्रष्टाचार हुआ है खेल मैदान को लेकर के, उसको भी मद्देनजर रखते हुए ज्ञापन सौंपा गया कि जो मैदान हम लोगों को स्वीकृत हो रहा है, जनचर्चा है कि एक 6 एकड़ का बेल्ट पड़ा हुआ है जिसपे खेल मैदान बनाया जाना है, उस पर जो कंस्ट्रक्शन होना है उसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, नियम पूर्वक बने और सही मैदान युवाओं को मिले। लोग आज खेल मैदान की मांग को लेकर एकत्रित हुए थे। हम चाहते थे कि मैदान घनसौर में बने, इसलिए यहाँ एकत्रित। आप सांसद जी के द्वारा मिले सांसद, सांसद जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? सांसद जी ने हमसे कहा है कि जगह स्वीकृत हो गई है, तहसीलदार को उन्होंने आदेश कर दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तहसीलदार साहब से संपर्क करेंगे और जल्द से जल्द जगह चिन्हित करेंगे और एक खेल मैदान का निर्माण जल्द से जल्द प्रारंभ हो, पूरा प्रयास करेंगे। जमीन रिक्वायरमेंट था 3 और इसीलिए हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए, तो अन्यत्र 1,80,00,000 रुपये जो सेंक्शन हुए थे वो अन्यत्र हस्तांतरित हुआ जिले के किसी अन्य स्थान में, जहाँ पर जमीन हमको उपलब्ध हो गया जिले तो स्थानित हो गया। आज आवश्यकता है हमारे सब नौजवान या गांव के नगर के लोग यहाँ पर खेल मैदान की डिमांड आप सब लोग कर रहे हैं। अभी जैसे आप लोगों ने सुझाव दिया है कि यहाँ पर कुछ ज़मीन है करीब 7 एकड़ ऐसा बता रहे, मैंने निर्देश किया प्रशासन को और उसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, ये मैंने उनको कहा है कि निश्चित तौर से ज़मीन अगर हमको उपलब्ध हो गया तो हम आगे बढ़ पाएंगे। आज